लोकी एपिसोड 6। सच बताऊं तो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। चलो थोड़ा शुरू से बात करते हैं। एपिसोड 1, वही अवेंजर्स 2012 या कहूं एंड गेम वाला सीन देखकर लगा कि हाँ चलो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि तुम सबको पता है कि मेन 5 अवेंजर्स से अलग ही लेवल का अटैचमेंट है। उसके बाद लोकी का वहां से गायब होना और बिल्कुल आयरन मैन वाला सीन रिपीट होना, उसके बाद टीवीए का वहां आना और लोकी को पकड़कर ले जाना, और फिर मिस मिनट का एक्सप्लेन करना कि टीवीए कैसे काम करता है। अब ये जो मिस मिनट ने एक्सप्लेन किया कि टीवीए कैसे काम करता है, ये टीवीए की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में मुझे और बात करनी है, पर थोड़ी देर में, अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मॉर्बियस का इंट्रोडक्शन और वही लोकी का वहां से भागने की कोशिश करना, और फिर लोकी को ये पता लगना कि भाई यहाँ तो इन्फिनिटी स्टोन्स की कोई औकात ही नहीं है, प्लस लोकी को पता लगना कि आगे जाके उसकी मॉम मरी और फिर थैनोस के हाथों उसकी भी मौत हुई, और एंड में एक और लोकी का रिवील होना। कसम से एकदम ही जहर एपिसोड था, मजा आ गया, और इन्फिनिटी स्टोन्स की औकात देखकर तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। अब ऐसे ही एपिसोड टू अच्छा था। लोकी का टीवीए के साथ मिलकर दूसरे लोकी को ढूंढना और ढूंढने के बाद उसके साथ ही निकल जाना, अच्छा एपिसोड था, पर सच बताऊं तो थोड़ा ठंडा एपिसोड था। ऐसे ही एपिसोड थ्री में ये पता लगना कि ये लोग हमेशा से ही टीवीए में नहीं थे, बल्कि ये पहले एक नॉर्मल इंसान थे, इनकी एक अलग नॉर्मल लाइफ थी, प्लस सिल्वी और लोकी के बीच में बॉन्डिंग और दोनों के बीच इमोशंस की बाढ़। ये एपिसोड काफी लोगों को पसंद नहीं आया था, पर सच बताऊं तो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि स्पेस की चीजें देखना मुझे थोड़ा ज्यादा ही पसंद है, और वही टीवी की चार दीवारी देख देख कर मैं बोर हो गया था। फिर आते हैं एपिसोड 4 पर, जहाँ पता लगता है कि सिल्वी बचपन में ऐसे ही खेल रही थी और इन लोगों ने उसे ऐसे ही उठा लिया, देख कर बुरा लगा, पर जस्ट ही आगे जाके हमें टाइम कीपर्स की एक झलक देखने को मिली, और इसे देखकर तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार पिछले 2 एपिसोड काफी ठंडे थे, इसलिए टाइम कीपर्स की एक झलक देख के काफी अच्छा लगा कि चलो इतने टाइम से टाइम कीपर्स सुन रहे थे, तो अब जाके फाइनली उनके बारे में और जानने को मिलेगा और उनसे कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो हमें शॉक कर देंगी। पर भाई वही हुआ जो हमेशा होता है, मार्वल ने हम सबका फिर से काट दिया, क्योंकि टाइम कीपर्स एक रोबोट निकले। पर टाइम कीपर्स का रोबोट निकलना और टीवीए के पीछे कोई और होना, यहाँ तक आते आते एक्साइटमेंट लेवल हाई हो गया था, और फिर पता लगा कि इस लोकी सीरीज का रियल विलन कैंग द कॉन्करर होने वाला है, और तुम सबको तो पता ही होगा कि कैंग द कॉन्करर रीड रिचर्ड्स का बेटा है, और मार्वल की तरफ से अनाउंस भी हुआ था कि फैंटास्टिक 4 रिलीज होगी आगे जाके, तो यहाँ तक आते आते एक्साइटमेंट लेवल और हाई हो गया था मेरा। और उसके बाद इसी एपिसोड के लास्ट में ये दिखाया गया कि जिन्हें ये मिटाते हैं एक्चुअली में उन्हें ये टाइम के लास्ट में भेज देते हैं, और वहाँ पे हमें दिखे और भी कई सारे लोकी। अब यहाँ तक आते आते मेरा एक्साइटमेंट लेवल पीक पॉइंट पर आ गया था, प्लस सबको धीरे धीरे टीवीए की सच्चाई भी पता लगने लगी थी। और फिर आया 5वां एपिसोड, जहाँ हमें और भी लोकी मिले, प्लस एलॉयथ मिला और प्लस कई सारे ईस्टर एग्स भी। इन द एंड सिल्वी और लोकी वहां तक पहुंच ही गए जहाँ हमें ये पता लगने वाला था कि टीवीए के पीछे कौन है। अब देखो तुम लोगों को पता है कि मैं कॉमिक नहीं पढ़ता हूँ, प्लस ना ही मैं ज्यादा एक्टिव था, तो मुझे कोई भी न्यूज नहीं पता थी लोकी सीरीज से रिलेटेड। और सच बताओ तो कैंग द कॉन्करर के बारे में भी मुझे अपने दोस्तों से पता लगा कि इन सब के पीछे कैंग द कॉन्करर होने वाला है, प्लस ना ही मुझे ये खबर थी कि इसका सीजन 2 भी आने वाला है, तो मेरी एक्साइटमेंट तो बिल्कुल पीक पॉइंट पर थी। तो मुझे लगा कि 5वां एपिसोड खत्म हो गया है, तो अब लास्ट एपिसोड में तो रिवील होगा ही कि कैंग द कॉन्करर कौन है, और इससे फैंटास्टिक 4 भी टीज हो जाएंगे। तो लास्ट एपिसोड का वेट करने के बाद जब फाइनली लास्ट एपिसोड रिलीज हुआ, तो उस टाइम पे मैं बाहर था, मैंने सोचा स्पेशल एपिसोड है तो घर जाके आराम से देखूंगा। तो 2 से 2.5 घंटे बाद फाइनली मैंने एपिसोड देखना स्टार्ट किया, और एपिसोड शुरू हुआ स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर के रोमांटिक डांस म्यूजिक और उसके साथ एमसीयू और रियल वर्ल्ड के कुछ डायलॉग के साथ। और उसके बाद एमसीयू ने मल्टीवर्स को टीज किया एक गैलेक्सी से निकल के दूसरे गैलेक्सी वाले सीन से। भाई कसम से मजा ही आ गया, लगा कि हाँ कुछ स्पेशल चल रहा है। मेरे फेस पे इतनी तगड़ी स्माइल थी कि मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। और उसके बाद दिखाया गया सिल्वी और लोकी को उनके फाइनल डेस्टिनेशन पे। फाइनल डेस्टिनेशन तो बढ़िया थी ही, पर यार बैकग्राउंड में स्पेस देखकर और उन समय रेखाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में यार कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ सीरियस होने वाला है। फिर जब अपने आप ही डोर खुला तो यार लगा कि कोई तगड़ा विलन इन दोनों को अपनी तरफ बुला रहा है। और फिर भाई मिस मिनट का प्रकट होना और उन दोनों को ऑफर देना, मतलब यार जो उसने उन दोनों को ऑफर्स दिए ना, मैं सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चों को मिठाई बांटी जा रही है कि अगर तुमने ये किया
तो तुम्हें ये मिल जाएगा। कसम से बता रहा हूँ यार, अगर मिस मिनट मुझे ऐसा ऑफर देती ना, तो एक बार मेरे मुंह से भी यही निकलता कि सच में, सीरियसली ये सब सच में देने वाले हो। फिलहाल इसके बाद दिखता है अपना मेन कैरेक्टर कैंग द कॉन्करर, और सिल्वी उसे देखने के बाद एक दो बार उसे मारने की कोशिश भी करती है पर नहीं मार पाती। सीधी सी बात है यार, वो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है, तो इतना आसान थोड़ी ना है उसे मारना कि तुम कुछ भी लेके आओ और उसके अंदर भोग दो जाके और वैसे ही मर जाए। हलवा थोड़ी है कोई। फिर भाई कैंग द कॉन्करर ने जब बोलना स्टार्ट करा, तब मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि कब यार जब अपनी रामायण खत्म करे और कब ये बोले कि आई एम कैंग द कॉन्करर, कब ये रिवील करे कि मैं कैंग द कॉन्करर हूँ, कब ये अपना नाम ले और कब ये रिवील करे कि मैं इस टाइमलाइन से आया हूँ या मैं यहाँ से आया हूँ या मैं वहाँ से आया हूँ, और हमें कुछ तगड़ा सुनने को मिले। हालांकि मुझे समझ में आ रहा था कि वो बातों को क्यों उलझा रहा है या बातों को उलझा रहा है या नहीं उलझा रहा है, क्योंकि यार सीधी सी बात है टाइम ट्रैवल वाला बंदा है तो सीधी तरीके से तो बात करेगा नहीं, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ और रहा है, तो सीधी सी बात है वो इतनी आसान भाषा में बात करने से रहा। और जब उसने उन दोनों को ऑफर दिया कि उसकी गद्दी उन दोनों की हो सकती है, तब मुझे थोड़ा लगा कि ये इन दोनों को अपनी बातों में फंसा कर दोनों को अलग करना चाह रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था कि यार कब ये अपना नाम लेगा, कब ये कुछ बड़ा रिवील करेगा, पर वही हुआ जो हमेशा होता है, हमारा कट गया। मार्वल ने विलन को दिखाकर भी नहीं दिखाया, बस इसी वजह से यार मुझे एपिसोड थोड़ा पसंद नहीं आया और एंड भी थोड़ा फीका फीका सा लगा। हालांकि इसने प्रॉपर रीजन दिया कि वो थक गया है और उसके जो बाकी वर्जन है वो ज्यादा बुरे हैं वगैरह वगैरह, पर मुझे थोड़े और अच्छे एंड की उम्मीद थी कि शायद ऐसा होता कि सिल्वी सोचती कि उसने उसे मार दिया है पर वो नहीं मरता और ये सब सिर्फ उसके एक प्लान का हिस्सा होता। मुझे थोड़े इस टाइप के एंड की उम्मीद थी और इसलिए शायद वो ऐसा बोल कर भी गया कि हम फिर मिलेंगे। वैसे अगर कैंग द कॉन्करर के हिसाब से देखा जाए तो उसने सीधे सीधे ही सब बता दिया कि वो थक गया है और इसलिए वो मरना चाहता है, और हो सकता है उसने जो मरते मरते बोला हो वो अपने बाकी सारे वर्जन के लिए बोला हो। फिलहाल इन सब से एक बात तो क्लियर हो गई कि समय रेखा दोबारा से टकराने लगी है। अब आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि मिस मिनट ने जो एक्सप्लेन किया है टीवीए के बारे में, उसके बारे में मुझे और बात करनी है। अब अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो मिस मिनट ने ये कहा था कि समय रेखाएं आपस में टकरा रही थी और इसी वजह से सिर्फ बर और बादी हो रही थी, और उसके बाद टाइम कीपर्स आए और फिर टीवीए बना। तो अब क्योंकि समय रेखाएं वापस से टकराने लगी है, तो हो सकता है कि अब आगे आने वाली मूवीज जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें इसका इफेक्ट देखने को मिले, क्योंकि सारे शोज और मूवीज आपस में कनेक्टेड है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का पूरा इवेंट इन समय रेखाओं के टकराने के वजह से ही बने। फिलहाल जो भी होगा वो आगे तो पता चल ही जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो काफी बढ़िया सीजन रहा, और ऐसा भी कह सकते हैं कि लोकी तो एक सिर्फ जरिया था, पर एक्चुअल जो काम एमसीयू का था वो ये था कि हम सबको मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस कराना और हम सबको मल्टीवर्स के बारे में एक्सप्लेन करना। पर तुम लोगों का इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मुझे लोकी के फर्स्ट सीजन की एंडिंग थोड़ी फीकी सी लगी, तुम लोगों को कैसी लगी ये भी जरूर बताना। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।